नमस्कार। आज हम आपको सॉफ्ट पीसी का उपयोग करना बताएंगे कि सॉफ्ट पीसी के द्वारा कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। सॉफ्टवेयर के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सॉफ्ट पीसी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है। मोबाइल फ़ोन में आप इसको गूगल प्ले स्टोर से पीपल लिंक HDBC के नाम से एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्यूटर एवं लैपटॉप के लिए आपको ई मित्रा से डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर में एक माइक और स्पीकर और एक वेब कैम या कैमरा की का होना ज़रूरी है। और मोबाइल में तो सारी चीज़ें होती हैं ऑलरेडी। तो पीसी और लैपटॉप के लिए हमें ई मित्रा सर्च करना है। ई मित्रा सर्च करने के बाद हमें मोर डिटेल ऑन ई मित्रा में जाना है। मोर डिटेल ऑन ई मित्रा में जाके लेटेस्ट एवं डाउनलोड में जाना है। वहाँ जाके हमको कंट्रोल एफ करके पीपल लिंक सर्च करना है। पीपल लिंक सर्च करते हैं तो पीपल लिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एक आपको दिखेगा जो कि रार होगा। इसके लिए आपको विनरार की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको एक ऐसा आइकन दिखेगा जो भी जहाँ भी आपने उसको सहेज के रखा है वहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आएगा, इसमें यस करना है। यस करके यूजर नेम में आपको करौली इसमें जो भी अपना नाम है जिस नाम से आप लॉगिन करना चाहते हो वो डालना है, जगह का नाम कहाँ से आप लॉगिन कर रहे हो। उसके बाद आपको कॉन्फ्रेंस रूम लॉगिन में जाना है, उसमें ये सेम रहने देना है। रूम नंबर में जाके जो कि आपको ब्लॉक या पंचायत समिति या फिर अपने जिला स्तर से स्टेट लेवल कहीं से भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद नेटवर्क भी आपको ब्लॉक से या जिला स्तर से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको कॉन्फ्रेंस रूम का इनपुट मांगेगा जिसमें आपको एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको ब्लॉक या जिला स्तर से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें एंटर हो जाओगे एक अटेंडी के तौर पर। अगर आपको ब्लॉक होस्ट बनने का अगर आपको ऑथोराइजेशन देता है या ऑथोरिटी देता है होस्ट बनने की तो आप उसमें होस्ट पासवर्ड भी देगा। इसमें आप होस्ट पासवर्ड डाल के होस्ट बन सकते हो। होस्ट बनने के बाद आप किसी का भी माइक ऑफ या ऑन कर सकते हो। जितनी वीडियोज आपको देखनी है वो कर सकते हो। जिस किसी का वीडियो दिख नहीं रहा है उस पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। इधर तीन ऑप्शन कोई सा भी ऑप्शन आएगा इसमें ये फुल HD वाला आएगा या जो भी ऑप्शन दिखे उस पर क्लिक करेंगे तो उनकी वीडियो दिखने लग जाएंगी। इसको वीडियो लेआउट पर कर देंगे तो इसमें जितनी भी वीडियो हैं उसे मैं 64 वीडियो कर रहा हूँ तो 64 वीडियो दिखने लग जाएंगी। अगर आप 48 वीडियो पर करोगे तो एक वीडियो जिससे जो कि मैंने स्क्रीन पर वो प्रेजेंटर के द्वारा कर दिया जाएगा फर्स्ट पोजिशन पर। इस तरीके से सॉफ्ट पीसी के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद।